आज सारे देश विच ही नहीं बल्कि दुनिया में जिथे जिथे भी कोई भगवान वाल्मीकि जी दा उपाशक बैठा है, नाम लेवा बैठा है, वो सारे ही भगवान वाल्मीकि जी का दिन मना रहे हैं, प्रगट दिवस मना रहे हैं। इसलिए मैं सारे जगत में जिथे कितने भी मेरा भैन भरा बच्चा बच्ची बैठे ने, मैं सारिया नू अज दे दिन की मुबारकबाद दिंदा। ये गल मैं भी कहना चाहना कि भगवान वाल्मीकि जी अपने समय के महान आत्मिक आगू सन, राजनीतिक फिलासफर सन, और जिस हालात में उन्होंने माता सीता को पनाह दी वो बड़े बड़े परवरदिगार सन। जिस तरीके नाल उन्होंने लव कुश नूं सिख्या दित्ती वो बहुत वड्डे जरनैल भी सन, महान जरनैल भी सन। इसलिए उन्होंने जिथे ये सब कुछ उन्होंने समाज दित्ती देन है, उन्होंने बहुत वड्डी देन है, वो ये है कि अज जिहड़ा समाज चल रहा, अज असी मंग करदे हां कि साढ़े घर पुत्र होवे, तां असी मंग करदे हां कि राम वर्गा होवे, अज असी मंग करदे हां कि साढ़े घर भरा होवे, जे भरा मंग करदा है तां वो कहिंदा लक्ष्मण वर्गा होवे। इसलिए जे असी कहिंदे हां कि साढ़े घर पुत्री होवे तां वो सीता वर्गी होवे, माता सीता जी वर्गी होवे। तो इसलिए अज दा जिहड़ा समाजिक ढांचा है, इस समाजिक ढांचा सानू भगवान वाल्मीकि जी की देन है। और सब तो वड्डी गल ये भगवान वाल्मीकि आदि कवि सन, बहुत महान रामायण योग वशिष्ठ नूं पढ़ तो बाद पता लगता है कि वह बहुत वड्डे विद्वान भी सन और वो आदि कवि भी सन। इसलिए मैं जो अज के दिन ते कह के जाना चाहना हाँ, जो कहिंदा हाँ वो ये है कि भगवान वाल्मीकि जी जिथे दुनिया के महान ते आदि कवि सन, विद्वान सन, मैं चाहवागा कि भाईचारा जिहड़ा है उन्हां नूं मनण वाला, उन्हां नूं एजुकेशन वल उचेचे ध्यान देना चाहिए। मैं दुनिया फिरिया, मैं वेख्या है दुनिया नूं, कोई मुल्क कोई कौम किसी ने उन्नी देर तक तरक्की नहीं की जिन्नी देर तक उन्होंने चंगी विद्या हासिल नहीं की। मैं प्रधानमंत्री साहब जी नूं मैं पिछे जा 125वें साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मनाया सी। बाकी मैं समझना तो उस वे मैं उन्होंने कहा सी प्रधानमंत्री साहब जी ने, मैं क्या जी बाबा साहब ने सानू रिजर्वेशन लेके दिती, असी कुछ लोग हवाना तो इंसान बने, सानू राइट टू एजुकेशन भी दे दिता, तुसी साडे लई की करोगे अज दे दिन ते 125वें साल ते। मैं क्या जे तुसी सानू कुछ देना है तो राइट एजुकेशन दो। भगवान वाल्मीकि जी डॉक्टर अंबेडकर जी उन्होंने, गुरु रविदास जी महाराज जी उन्होंने इस बेस के उपर ही समाज में अगे तोरिया। मैं क्या राइट एजुकेशन तो मेरा भाव यह है कि ईक्ल अपॉर्चुनिटी विद ईक्ल सिलेबस टू आल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन। मेरे कहने तो भाव यह है कि चाहे को अमीर का बच्चा है चाहे गरीब का बच्चा है, ये विद्या जड़ी है ये सारियां नूं बराबर दी देनी चाहिए है। मैं दुनिया फिरी है, मैं किते नहीं वेख्या कि जिथे अमीर का कोई एक महल्ले विच दो स्कूल हो, एक दा सिलेबस होर होवे एक दा सिलेबस होर होवे। ये हिंदुस्तान ही बदकिस्मत मुल्क है जिथे गरीब का बच्चा पढ़ता
वो तो 2-2.5 साल तो अंग्रेजी शुरू करता, जिते अमीर का बच्चा पढ़ता वो 2-2.5 साल तो जिते शुरू करता, उत्थे जिते गरीब का बच्चा पढ़ता, साढ़े भाईचारा के बच्चे पढ़ते हैं पिंड उत्थे 6वीं तो कहते हैं अंग्रेजी पढ़ो। इसलिए अपन आप ही अंदाज़ा ला लेना चाहिए कि एक बच्चे ने 2.5 साल तो अंग्रेजी शुरू करनी, एक बच्चे ने 12-6वीं तो जाके शुरू करनी, जो उम्र 12 साल हो जानी है, एक ने 2.5 साल तो करनी है, एक ने 12 साल तो करनी है, क्या वो मुकाबला जिंदगी कर सकूगा। इस करके मैं दुनिया में स्लोगन दिता, दुनिया कहना अपने भाईचारे को कहना और भी जिन्हें जिन्हों इस समाज नाल मोहब्बत है, प्यार है, सत्कार है, उन्होंने भी यह गल कहांगा। मेरा जो यो कहना है कि हर एक बच्चे नू देश दे नू इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इक्वल सिलेबस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन होना चाहिए। ये ही सच्ची श्रद्धांजलि जड़ी है, सच्चा प्यार जड़ा, सच्चा सत्कार जड़ा भगवान वाल्मीकि जी ने है।